कट योर हेयर इन मीडियम साइज। भगवान के लिए पंदा बन और बाल कटवा। अपनी सिर के सारे बाल काट लू। क्लीन शेव और हेड। आयला पहले तो हेयर कट करवा के आओ, बहुत हुआ है स्टाइल। हेयर कट। ओए फौजी कट करवा ले। सो गाइस बाल कटवा लो, बाल कटवा लो। सब इतना पीछे पड़े हुए थे ना, मैंने फिर भी बाल नहीं कटवाए। मेरे घर वाले पीछे पड़े हुए थे, पर अभी अभी बड़े बाल वो कह रहे हैं, बड़े बाल हो गए अच्छा लग रहा है। तो क्या है ना, माँ को तो अपना बेटा अच्छा लगता ही है, चाहे बड़े बाल हो चाहे छोटे बाल हो। तो फिलहाल तो हाँ, जो वीडियो है पहली बात तो जाके पूरी देखना कैसी लगी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फनी वीडियो बनाई है मैंने अपनी तरफ से, और सारी डर में इसमें कवर नहीं कर पाया क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ी वीडियो बन गई थी। सॉरी दोस्तों, बहुत टाइम बाद आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। उधर ध्यान दे ले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जिसमें सो गाइस बहुत ज्यादा वेलकम आप सभी का आज की इस नई वीडियो में, जो काफी टाइम बाद बनने वाली है फिर से उसी टॉपिक पे जो हम पहले कभी परफॉर्म नहीं कर पाए। इसका कहने का मतलब है डेयर, डेयर वाली वीडियो बनाने जा रहे हम लोग। एक्चुअली डेयर मैंने इंस्टाग्राम में पहले भी डलवाए थे और अब भी डलवाए हैं, तो पहले वाले भी करेंगे अभी वाले भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहला डेयर तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, पढ़ाई कर। यार वो तो जिंदगी में आज तक नहीं करी, अब करके क्या फायदा। करियो तो ना, वेलकम बैक टू माय चैनल, थोड़ा ना कर देते। अगला है हेयर कट। यू नो तो खुशबू, आई नो तू हेयर कट के लिए बहुत टाइम से कह रही है, मेरी मम्मी भी कह रही है, और मुझे पक्का पता है तुम सबको ना मेरी मम्मी ने पैसे दिए बाल कटवाने के लिए, बोलने के लिए। मजाक कर रहा है। तो गाइस बढ़ते हैं अगले डेयर की तरफ, और ये प्राणी ये हमें बताएगा हमारा अगला डेयर कौन कौन सा है। ये डेयर सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है, और इसका नाम है हाँ दिल विच तेरे लई टाइम कढ़ के। तू भी करेगा मेरे साथ गाइस, ये भी मेरे साथ डांस करेगा थोड़ी थोड़ी, ठीक है। मैं तो वीडियो बनाऊं नहीं करता। A few inches later, हाँ दिल विच तेरे लई टाइम कढ़ के, करना मैं प्रॉमिस मिलने आऊंगा, मैंने पता है तू फैन सलमान। मजा आया। अगला डेयर जो है वो है स्क्रीन पर, टेक्स्ट योर एक्स टू गेट बैक टुगेदर। मैं नहीं करने का। कौन से वाली? कौन से वाली को बोलू, बता तो देती, तेरे को तो नाम भी बताया। अगला डेयर है शो योर मोस्ट अमेरिसिंग सेल्फी। सरदार वाली दिखाई थे, ये देखो गाइस, मोस्ट अमेरिसिंग सेल्फी। डांस विदाउट म्यूजिक फॉर 30 सेकंड्स। ओके तो सिमरन का डेयर है सिम, डांस विदाउट म्यूजिक फॉर 30 सेकंड। आजा जिसमें था देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मम्मी आंटी को पूछ कि अब आपने मेरे लिए जिंदगी में क्या क्या किया है, गिनवा उनसे। माता जी आपसे सवाल ये है कि आपने मेरी जिंदगी में आज तक क्या क्या किया है, मेरे को गिनवा सकते हैं? तुझे पैदा किया है और क्या क्या किया आपने, और क्या बोलना है भाई, स्क्रिप्टेड थोड़ी ना है जो आपको दिल में है कि मैंने तेरे लिए ये किया, तुम्हारा बच्चा है, तेरे लिए ऐसे ऐसे किया मैंने। दोस्तों मेरा बच्चा है, यही बहुत बड़ी बात है। ये तो बुरी बात है, अच्छी बात है? बहुत अच्छी बात है। क्यों? मुझे आज जन्म में तुम मिले, ऐसा क्यों? अच्छा एक बार ये सोच लो कैमरा ऑफ है। एक बार ये सोच लो कैमरा ऑफ है। नहीं कैमरा ऑन भी हो ऑफ भी हो तो भी मुझे हर जन्म, ऐसा क्या है मेरे में कि हर जन्म में आपको मैं चाहिए, बताओ। पर ऐसे क्या है मेरे में, कुछ तो खास बात होगी, पढ़ाई में मैं अच्छा नहीं। कोई बात नहीं,
हर चीज में जीरो हो। कोई बात नहीं, प्यार में अच्छे से कर नहीं पाता किसी को। कोई बात नहीं, ऐसा क्या है मेरे में कि हर समय मैं आपको मैं चाहिए? पता नहीं, लेकिन तू ही चाहिए। ये रोने वाली है बस, इससे ज्यादा नहीं। आइए अब दादी से पूछते हैं। आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने रोना नहीं है अभी, नहीं रोना, मैं बोलूंगा तब कि आपने मेरी आज तक लाइफ में क्या क्या किया, मेरे को गिनवा सकते हैं सिवाय कपड़े दिलवाने के, पैसे देने के? क्या क्या किया आप गिनवा सकते हैं मेरे को? कुछ भी नहीं किया। क्यों बताओ ना, ऑडियंस जानना चाहती है, बताइए। कुछ नहीं किया भाई, लाइट जलाना मेडो वाली तो ना, इतना पैसा खर्चा है दादी ने, किस लिए खर्चा है बता, क्या किया आपने? मैंने तेरे लिए घर बनवाया बढ़िया सा। घर बनवाया और क्या किया? थोड़ी जोर से बोले। तेरे लिए बढ़िया सा घर बनवाया। अच्छा, तुझे प्यार किया। अच्छा, और तेरी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश कर। हर इच्छा तो मेरी बहुत कोशिश करते, बहुत अच्छे से पूरी करते दोनों। अभी देखना गाइस, बाइक 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 की बात होती कर मेरे साथ, बाइक भी आएगी। ठीक है, और फिर भी कुछ तो बोलो कि ये किया है। देखो, उंगली थमाई जाए तो कंधे पे चढ़ के नहीं कांड करते। बताओ ना, फिर भी जैसे बोलते हो कुछ बोले तो सही, मैंने तो ये किया वो किया, कुछ तो बोलो, ऑडियंस को जानना है। सब कुछ ही किया बेटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल तेरे को तो सबसे पहले हॉस्पिटल में ले जाके ठीक करवाया, बचाया तेरे को। और और ये गाइस, तभी तो आज इतना बड़ा होके बोल रहा है। ये बैक स्टोरी है मेरे बचपन की, कभी सुनाऊंगा मैं, ठीक है? और बस और क्या, तो तब से कर ही रहे भाई, जो हमसे हो रहा है उसे झेल रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं जो हो रहा है, जो हमारे बस में है, जो हम कर सकते हैं। वीडियो बंद करने का टक्कर कर दी। अब बताओ, अब सच बताओ, क्या सच बताओ? अब बढ़ते हैं अगले डेयर की तरफ, बताओ भाई। Make funny content on football controversies. Make funny content on football controversies. तो अगर कोई मेरे स्कूल का है, हमारी फुटबॉलर्स के साथ कंट्रोवर्सी हुई है और कुछ नहीं हुआ, हमारी पर्सनल कंट्रोवर्सी, हमारी पर्सनल कंट्रोवर्सी है फुटबॉलर्स के साथ। गाइस, हमारे स्कूल में जितनी भी लड़ाई हुई है ना, जितनी भी, सिर्फ फुटबॉलर्स की वजह से। और मारा होता पर हमने, पीटे तो नहीं ना? नहीं, मेरे को तो आज तक मारा नहीं, हमने मारा होता। मम्मी को लड़की दिखा के बोल शादी करवा दो। ठीक है, वैसे मैं बोल चुका। तू तो बोल चुका है, मेरे को ढूंढनी पड़ेगी। गाइस, फोटो भी मैं किसकी दिखाऊं? A few inches later. इस फोटो में तुम्हें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड से परमिशन लिया, तो पता नहीं मैं इसमें डाल सकता हूँ नहीं, बाकी उससे पूछ के मैं डाल दूंगा। इधर आ जाएगी इसके सामने फोटो, अगर वो हाँ बोल दे तो। अब तो डेयर दिया था कि अपनी माताओं को एक लड़की की फोटो दिखाओ और बोलो शादी करनी है, तो ये लड़की सही मिल रही है? सही है। घूम क्यों कर रहे हो इतना? तेरे को पसंद है? सही है, तू बता शादी तुझे देखा है आज तक? थोड़ी करनी है। नहीं देखा। देखा ऐसा आज तक? नहीं देखा। रिजेक्ट अप्रूव है? तेरे को पसंद है तो अप्रूव रहा है, तेरे को पसंद है? मुझे बात भी नहीं होती, मेरे को तो पता भी नहीं है। क्यों पूछ रहा है? मेरे को तो डेयर दिया था कि आपको पसंद आई? नहीं, आपको पसंद आई? क्या मानू मैं, कॉन्ट्रोवर्सी बढ़ जाएगी, क्या मानू मैं, हाँ या ना? हमारे से क्या है, तेरे को पसंद है तो ठीक है। देखो, खाना टेस्टी बनाना चाहिए, आप लोगों को पता ही कैसे लड़की से खाना बनाएगी तब पता चलेगा, अभी कैसे पता चल जाएगा? ऐसा है, पहले लड़की से तो पूछ, उसे तू पसंद है या नहीं है। सुधरा गया, अपनी मम्मी को जाकर रोज देके प्रपोज करो, सबसे बेस्ट डेयर रहेगा ये। अब मेरे को चाहिए दो रोज। मेरे पापा ऐसे नहीं है, मेरे को देख तो आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपने मेरे लिए आज तक बहुत कुछ करा है, बस एक बाइक और दिला दो और कुछ नहीं चाहिए, और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये चुम्मी चुम्मी गाइस, मतलब उनकी गाल बड़ी प्यार लगती है। ये बाइक के लिए प्यार है? नहीं नहीं, हाँ ये बाइक के लिए प्यार है। हेलो यू सो मच, आपने मुझे आज तक जो भी किया उसके लिए थैंक यू, बस एक बाइक और दिला दो।
थैंक यू सो मच गाइस, ये भी कंप्लीट। इसको वहीं रखा माता रॉक्स। ये यहाँ से उठाया था, ये मैंने यहाँ से उठाया था, ये मैंने यहाँ से उठाया था। चलो दूसरा वाला दिखा, कहाँ से उठाया था? दूसरा वाला उसके अंदर से उठाया था मैंने। उसके अंदर तीन चार फूल और पड़े, लड़कियों ने दिए थे मेरे को। सुंदर सुंदर फूल वहां से उठाए थे। दादी ऑल्सो रॉक्स। A few inches later. इधर आओ, पैसे रोक दे। तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। अच्छा, मुझे नहीं दिख रहा। तो उधर मरना पूरा फ्रेम खाएगा। मेरी घड़ी थी भाई, घड़ी मशीन है, ये करवा लो पहले भाई। दवाइयां मत यार, बहुत देर लगेगी। हाँ हाँ, कर कर कर, खाली है। करदा मैं प्रॉमिस में लड़े आऊंगा। आई क्या होता है, खाली है। A few inches later. और अब हम बढ़ते हैं अगले डेयर की तरफ। अच्छा, इसी व्यक्ति का सुबह ही तो बढ़ता है। चुप हो जा, वीडियो बन रहा है। सो गाइस, आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और बताओ कमेंट करके कि कैसे बनी है वीडियो, तुम्हें अच्छी लगी नहीं लगी मेरे को बताओ। और बाकी के जो डेयर्स हैं, मैंने जैसे ही कहा था कि पार्ट टू, और पार्ट टू के लिए जो बचे कुछ डेयर्स है वो करेंगे, और भी डेयर्स इकट्ठे करते हैं, और भी थोड़े बहुत वीडियोस भाई बनाते हैं। भाई काफ़ी डिले कर दिया। ओके भाई, ठीक है भाई।